हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फ्री मेडिसिन एडवाइस चैनल और मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश कुमार। दोस्त, आज हम बात करेंगे इस इच्टास क्रीम के बारे में जो कि एक एंटी फंगल क्रीम है। तो दोस्तों, अगर आपको दांत खाज खुजली की समस्या है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन क्रीम है और आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस इच्टास क्रीम के बारे में कि ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी एमआरपी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है इसके बारे में, और इसके यूज क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, ये नोविटास की बनाई हुई एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसकी एमआरपी 58 रुपीज है और ये 15 ग्राम के पैक में आती है। दोस्तों, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है वो है क्लोट्रिमाजोल, मेंथोल, इच्थामोल, बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, जो कि हमारे स्किन में होने वाली फंगल इन्फेक्शन को दूर करता है। दाद खाज खुजली की समस्या जो होती है उसको ये बहुत ही अच्छे ढंग से दूर करता है। तो अगर आपको दाद खाज खुजली की समस्या है तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस इच्टास क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, आइए देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार की ट्यूब है। तो दोस्तों, इसके अंदर इस प्रकार की एक बहुत ही बेहतरीन पैक में एक ट्यूब है जो कि 15 ग्राम की है और ये प्लास्टिक पैक में लग रही है। ये प्लास्टिक पैक में ही है जो कि और भी आसान है यूज करने में। तो दोस्तों, इस प्रकार की इसके अंदर में ट्यूब होती है। तो दोस्तों, अगर आपको दाद खाज खुजली की समस्या है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो चुके हैं तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। तो जहां पर भी आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम है, दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है या फिर आपको फंगल इन्फेक्शन हो चुके हैं या फिर आपको नाखून सड़ने की जो समस्या होती है वो अगर हो रही है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। उसमें दोस्तों, जहां पर भी आपको इस प्रकार की समस्या है उस एरिया को सबसे पहले आप अच्छी तरह से डिटोल लिक्विड या फिर सेवलोन लिक्विड या फिर आप गर्म पानी से उसे अच्छी तरह से साफ कर ले जहां पर भी आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम है, उसके बाद ही आप इस क्रीम को अप्लाई करें वहां पर अच्छे ढंग से। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप 2 से 3 टाइम कर सकते हैं। दोस्तों, जहां पर भी आपको इस प्रकार की फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या फिर दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है वहां पर आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 टाइम कर सकते हैं। और दोस्तों, बेस्ट रिजल्ट के लिए इसके साथ में आप सेट्रिजिन या फिर लिवोसेट्रिजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप फ्लूकोनाजोल 150 mg टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक एंटी फंगल टैबलेट है, तो उसका भी इस्तेमाल आप साथ में कर सकते हैं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलने के चांसेज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की अगर आपको समस्या है, दाद खाज खुजली की समस्या है, फंगल इन्फेक्शन हो चुके हैं तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको पहले से भी ज़्यादा इचिंग की समस्या होती है या फिर किसी भी प्रकार की स्किन में एलर्जी की समस्या होती है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल करना तुरंत ही बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेग्नेंट है तो भी आप इस क्रीम के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लें, फिर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर इस प्रकार के और किसी भी एंटी फंगल क्रीम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आप अपने डॉक्टर को दें, फिर आप इस क्रीम का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस प्रकार के और वीडियो की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।